राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काना पर। आज हम बात करेंगे यह संसार जो हमें इंद्रियों द्वारा दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी हमें जानने में आ रहा है, क्या वह ठीक वैसा स्थिर है अथवा प्रतिक्षण बदल रहा है। विचार करने से पता चलता है कि दृश्य मात्र प्रतिक्षण बदल रहा है। जिस व्यक्ति ने 2-3 वर्ष की आयु में जिसने उस शरीर को देखा हो जो 2-3 वर्ष का है और वही शरीर आज से 10 साल बाद देखी, तो क्या वह वैसा रहेगा? पहचानना ही कठिन हो जाएगा। जो वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है उसे अस्थित्व स्थिर कैसे कहा जाए? वह तो गंगा यमुना के जल की भांति बह रहा है। गंगा जी के प्रवाह से भी उसका प्रवाह तेज है। एक उदाहरण दें, बूंदी के लड्डू में प्रत्येक दाना बेसन द्वारा निर्मित है। बेसन फीका होता है, किंतु फीकी बूंदी के दाने चीनी की चाशनी में डालने से मीठे हो जाते हैं। चीनी के संग से बेसन की फीकी बूंदी भी मीठी प्रतीत होने लगती है। तब चीनी के मीठेपन में किसी को संदेह कैसे होगा? उसी प्रकार प्रतिक्षण नष्ट होने वाले नश्वर पदार्थों को भी जो है करके दिखा रहा है, उस परमात्मा के होने में संदेह कैसे हो सकता है? एक बात और ध्यान देने की है, जिनकी दृष्टि संसार से परे कुछ देखना ही नहीं चाहती, उन्हें संसार को देखते समय परमात्मा दिखाई नहीं देते, संसार ही संसार दिखाई देता है। इसी प्रकार जो पूरी श्रद्धा से परमात्मा को देखेगा, उसे सर्वत्र है हो ही दिखाई देगा, संसार नहीं दिखाई देगा, परमात्मा ही दिखाई देगा और कुछ भी नहीं। यह बात सर्वथा सत्य है, परंतु जब तक मनुष्य इस सत्यता को नहीं जानेगा तब तक उसे परमात्मा तो कैसे दिखाई देगा? जैसे किसी बालक से कहा कि यह लकड़ी मिट्टी है तो वह नहीं मानेगा, किंतु उस अबोध को यह स्वीकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह मिट्टी में डाला हुआ बीज ही वृक्ष बना और वही सूखने पर काष्ठ बना और उसे जला देने पर वह वापिस मिट्टी बना। तो क्या वह मिट्टी नहीं है? वह शुरुआत में भी मिट्टी था और अब भी मिट्टी है। परमात्मा होते हुए भी तब तक दिखाई नहीं देते जब तक उन्हें तत्व से जाना नहीं जाता। राधे राधे, आपका अपना चैनल कान्हा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे से नई नई वीडियोज और लाते रहें। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सके तो कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल कान्हा। राधे राधे।